चले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राहम विश्राम। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपने जैसा केमिस्ट्री में पढ़ा है बहुत अब द प्रेशर, प्रेशर में आंशिक प्रेशर देखा, अब इसी में आता है ग्राहम विश्राम वितरण का, ठीक है। ग्राहम विश्राम उसमें आपके जो रेशियो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राहम ताप भी बोल सकते हैं, तो इसमें जनरली आपको क्या बताया जाता है कि ये कहता है कि जो भी आपके स्थानांतरित ऊर्जा है, और ऊर्जा वो भी कौन सी ऊर्जा होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए या काइनेटिक होना चाहिए, तो काइनेटिक होना चाहिए, इट मीन्स गतिज ऊर्जा। जितने भी ऊर्जाएं हैं, इनर्जी है यहाँ पर, ये जो इनर्जी काइनेटिक इनर्जी है, इस काइनेटिक इनर्जी को ये स्थानांतरित करके जो परम ताप है, परम ताप के समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती, तभी तो ये बनता है ग्राहम विश्राम ताप का नियम बनता है, क्लियर। जितने भी गैसेज हैं, अलग अलग गैसेज हैं, एक ही तरह के गैसेज हैं, इनका जो काइनेटिक ऊर्जा है स्थानांतरित, इनसे स्थानांतरित यानी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जा रहे हैं, परम ताप के समानुपाती के बराबर होते हैं, तो हमारा इसके अंतर्गत आता है। अब इसके देखते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है। आपको पीछे बताया गया है कि पहले बारी हम सपोज करते हैं मास एम वन फाइनल वी वन ऑफ स्क्वायर मास एम टू वी टू ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ वी वन स्क्वायर मास ऑफ वी टू ऑफ स्क्वायर इक्वेशन होता है, ठीक। अब दिमाग लगाइए इस केसेस में मास तो है लेकिन इनर्शियल और फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है, जीरो, दोनों जीरो, अलग अलग तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ जब जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो जब हो जाते हैं तो इस केसेस में इसको भी ले लीजिए, दोनों को जीरो कर लीजिए, ये भी दोनों जीरो, ठीक है। तो आप सिंपल सा आपको ये देखा जाएगा, तब ये जीरो हो जाएगा, पूरा फंक्शन ये जीरो हो जाएगा, कैसे एम वन जीरो ऑफ स्क्वायर एम टू जीरो ऑफ स्क्वायर क्या जाएगा एम वन, ठीक। अब यहाँ समझिएगा जब ये दोनों जीरो होंगे तो ये हमारा जो है यू वन और यू टू है, तो यू टू हमारा ये दिखाएगा कि टू इक्वल टू माइनस यू में करप्ट होगा, विकास परम ताप के समानुपाती हो रहा है, तो एम वन यू वन ऑफ स्क्वायर एंड देर इज द प्लस एम टू माइनस यहाँ पे हो जाएगा यू टू ऑफ स्क्वायर। तो मास के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, ठीक है। तो मास के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो प्लस माइनस लिखे डायरेक्ट माइनस ले रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल इधर का जीरो हो जाएगा, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम टू एंड यू टू ऑफ स्क्वायर, इसको जब मूव कर दीजिए तो माइनस एम वन यू वन स्क्वायर एंड माइनस एम टू यू टू स्क्वायर, तो देखिए दे दिस कैंसिल। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले इनर्शियल वेलोसिटी का रेशियो लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यू वन माइनस यू टू का दोनों का स्क्वायर एक साथ ले रहे हैं, इस पर भी स्क्वायर इस पर स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं ए बाई बी के पावर एम, तो इसका भी स्क्वायर लिखते हैं और नीचे भी इसका भी मतलब स्क्वायर एड उसका लगाना लगाना ही लगाएंगे, इक्वल टू क्या बचेगा आपका एम टू अपान एम वन, ठीक है, स्क्वायर एडेगा तो रूट हो जाता है। और यही चीज़ हम लोग ऐसे भी देखते हैं, अब यू वन अपान यू टू है तो इसको हम आर के फॉर्म में भी देखें, आर टू अपान आर वन आर के इसके इक्वल टू होता है एम टू अपान एम वन, चाहे कैपिटल से डिनोट कीजिए चाहे स्मॉल से डिनोट कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, ऐसे बन जाता है इम्प्रूव हो जाता है। यानी ये सेंस होना चाहिए कि ग्राहम का जो वितरण परम ताप का नियम है वो यही कहता है कि जितने भी हमारा टोटल जो है एनर्जी है वो कंजर्वेशन एनर्जी क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में होगा, वो काइनेटिक एनर्जी वो तुरंत जो है
क्या करता है, स्थानांतरण करने का काम करता है परमताप में होने के लिए। इसकी वजह से ये ग्रह का वितरण करने में जरूरत पड़ता है और इसको इस तरह से प्रूव करके दिखाते हैं। तो आई होप आपको समझ में बड़ी खुलाए। सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते हैं, कोई भी डाउट पूछते रहें।